हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन है आप सब लोगों का। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का अन अकेडमी शिक्षा पर। और अभी तक आप लोगों ने अन अकेडमी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अन अकेडमी शिक्षा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, मेरी EVS की जो सीरीज़ है ना, ये मेरा कोर्स है दोस्तों, ये EVS का कोर्स है मेरा, है ना। आपका सीटेट होने से पहले मैं EVS आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से मैं EVS कराऊंगा। और अगर आप लोग अन अकेडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आनंद 99, ये मेरा कोड है दोस्तों, आनंद 99, ये मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि होने वाला है बहुत ही शानदार, है ना। पहली क्लास है आज हमारी EVS की दोस्तों, इस कोर्स की बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इस कोर्स की पहली क्लास हमारी। चलिए पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने हाजिर है, मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर ईयर्स ऑन डैश ऑफ हेड। बताएं इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे। क्या बात है, चलिए चलिए बताएं जरा, और चैट में आंसर दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर ईयर्स ऑन डैश ऑफ द हेड, है ना। बहुत ये सारे NCERTs के ही क्वेश्चन हैं बेसिकली, है ना। बहुत ही मज़ा आ जाएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, और आपकी EVS की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो पूरे NCERT पे ही बेस्ड हैं। चलिए, मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर ईयर्स ऑन डैश ऑफ द हेड, तो आंसर क्या दोगे यहाँ पर बताओ, आंसर क्या दोगे यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर साइड, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से आइदर साइड इसका आंसर हो जाएगा। चलो, बर्ड्स आइज कैन फोकस ऑन डैश डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। बताएं, बर्ड्स की जो आइज होती हैं वो इतने डैश डिफरेंट थिंग्स पे फोकस कर सकती हैं एट डिफरेंट टाइम। बताएं ज़रा क्या होगा इसका आंसर। भाई चैट में आंसर दें, आंसर दें चैट में क्या होगा। बर्ड्स की जो आईज होती हैं वो एक टाइम वो कितने ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती हैं, बताएं जरा, बताएं जरा जल्दी। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं, इसको ये क्वेश्चन तो आप ही लोगों को करना। प्रतीक्षा सौरभ पचौरी जी, फोर फोर कैसे हो सकता है भाई, बताओ सर। ये क्लास कब, बिल्कुल ये डेली 9:30 बजे होगी वाली क्लास, डेली 9:30 बजे वाली क्लास होगी। ठीक है, फोर कैसे हो सकता है बताओ। बर्ड्स आई कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है चलो। बताएं, वेन बर्ड्स दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आईज फोकस ऑन, बताएं जरा इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे। कब तक कंटिन्यू, 10 बजे तक रहेगी क्लास, 10 या 10:05 तक, ये मेरा बेसिकली टाइम रहेगा। वेन बर्ड्स दे लुक स्ट्रेट बोथ देयर आईज, जब बर्ड्स सीधे देख रही होती हैं तो बताएं उनकी आईज क्या कर रही होती हैं उस टाइम पे, बताएं क्या कर रही होती, है ना, सेम एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही होती है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को देख रही होती, क्या बात है दोस्तों,
बहुत ही शानदार, क्या बात है यार, जुड़ते जाओ यार, लोग जुड़ रहे हैं यार क्लास में, जुड़ते जाओ यार बहुत शानदार तरीके से। चलो बताएं, वाई वर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, वर्ड्स को बार बार ऐसे अपनी मुंडी क्यों हिलानी पड़ती है, बताएं जरा क्या रीजन है उसका, बताएं। अरे भाई जुल्फिकर अली सर, हम आ गए। हाँ भाई आप आ गए, बताएं बर्ड्स बार बार अपनी मुंडी क्यों हिलाती हैं, बताएं जरा। हेलो सर अंश जैन, बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो आईज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, उनकी आईज जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, इसलिए वो बार बार अपनी मुंडी हिलाती हैं, ठीक है। व्हेन बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज हुए, जब बर्ड्स व्हेन बर्ड्स कैन सी 4 टाइम्स एज, इनमें से कौन सी वर्ड्स हैं जो कि 4 टाइम्स एज फार एज ह्यूमंस देख सकती हैं, बताएं जरा। क्या होगा इसका आंसर, आप लोगों का वेट है, बताएं जरा क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी पे जा रहा है फोकस, डी पे जा रहा है, डी पे ज्यादा जा रहा है इसका। हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही सही फरमाए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। देखो काइट्स, ईगल्स, वल्चर, बिल्कुल क्या बात है, बहुत सही। द एनिमल्स विच आर अवेक एट डे टाइम, एनिमल्स विच आर अवेक एट डे टाइम, बताएं जरा। एनिमल्स विच आर अवेक एट डे टाइम, बताएं जरा। एनिमल्स विच आर अवेक एट डे टाइम, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, एक कॉल आ गया था, जस्ट काटना पड़ा। हाँ डे टाइम, हाँ 10th का बी आ रहा है आंसर, गरिमा सिंह जी का आ गया, शालिनी जी का आ गया। कैन सी ब्लैक एंड व्हाइट, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, बिल्कुल क्या बात है। तनु शर्मा जी भी लाइव है, आंसर दे रही, द एनिमल्स विच आर अवेक एट डे टाइम, बिल्कुल क्या बात है। वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर, बिकॉज हम बर्ड्स के ईयर्स क्यों नहीं देख सकते, बताएं क्या वो स्मॉल होते हैं या फिर वो स्मॉल होल्स आर कवर्ड, क्या वो एक छोटे छोटे से छेद हैं जो कि फेदर से कवर्ड हैं, या फिर दे डू नॉट हैव ईयर्स, या उनके पास ईयर्स ही नहीं है, या फिर बोथ बी एंड सी, बताएं जरा। बोथ बी एंड सी, बताएं जरा क्या होगा इसका आंसर। चलो भाई अंश जैन, इसका आंसर आप बी तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। जितने लोग बी दे रहे हैं इसका आंसर, थोड़ा सा और सोचिए, है ना, वो भी आप सही दे रहे हो आंसर। मोनिका जी, तनु शर्मा जी, क्या बात है भाई, ये डेली आना है 9:30 बजे, लाइव आता हूं डेली, 9:30 पर लाइव आऊंगा, डेली डेली आना है सबको, बोल दिया मैंने, ठीक है। वी कैन नॉट सी बर्ड्स ईयर बिकॉज, बताएं क्यों नहीं देख सकते हम लोग बर्ड्स के ईयर, दे आर स्मॉल, दे आर, बिल्कुल बताएं, और बिल्कुल क्या बात है। राम अवतार कुशवाहा और गरिमा सिंह जी, शालिनी जी, अब बिल्कुल सही आंसर पहुंच गए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों सही है। पहली बात तो ये, उनके पास ईयर नहीं होते, ईयर नहीं होने का मतलब क्या है, ये जो इतना बड़ा जो कान बाहर निकला ना, ये नहीं होता, उनके पास होल्स होते हैं जिनसे उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो बी और सी दोनों करेक्ट हैं, और इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। चलो बताएं स्नेक्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे, स्नेक्स के पास हैव ईयर होल, क्या उनके पास ईयर होल होते हैं, या फिर स्नेक्स बहरे होते हैं, या फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन फील करते हैं, या फिर बोथ ए एंड सी, क्या होगा यार। अच्छा बोथ बी एंड सी है, चाहे बी एंड सी है। आफरीन जी का आंसर जो है वो सही तो आ रहा था लेकिन गलत हो गया। तनु शर्मा जी और योगेश सिंह जी का सबसे पहले आंसर आया, बिल्कुल सही आया।
लाइव आने बहुत लेट हो गया, थोड़ा एडवांस लीजिए। अच्छा क्या बोलना चाह रहा समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बोथ बी एंड सी इसका आंसर होगा। पहली बात तो वो बहरे होते हैं, और दूसरी बात दे फील वाइब्रेशन। ठीक है, पहली बात तो वो बहरे होते हैं, दूसरी बात दे फील वाइब्रेशन। सही हो, सम बर्ड्स बताएं जरा भैया। सेशन को लाइक जरूर कर देना है, जितने भी लोग देख रहे हो सेशन को लाइक जरूर कर दो। सम बर्ड्स एंड एनिमल हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज फॉर डेंजर और हैप्पीनेस। बताएं, कुछ बर्ड्स और एनिमल के पास डिफरेंट साउंड होते हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए, अपने बेसिकली अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए। तो आप बताएं जरा इनमें से कौन से ऐसे एनिमल हैं जो कि इस श्रेणी में शामिल हैं, बताएं जरा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, सारे एनिमल लंगूर टाइगर और लेपर्ड तीनों होंगे। क्या बात है, बहुत शानदार। बताएं जरा, एनिमल स्टार्ट रिएक्टिंग बिफोर अर्थक्वेक और स्टोर्म इज अबाउट टू कम। बताएं क्या ये बात सही है कि भाई जब कोई अर्थक्वेक या फिर कोई भी आपदा आने वाली होती है धरती पर, तो एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ये बात सही है, और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है ये बात बिल्कुल सही है। समझो इस बात को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्या बात है। तो ये एक रिपोर्ट भी पढ़ लो भैया, 2004 की बात है, दिसंबर की, दिसंबर 2004 की बात है। फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन फॉरेस्ट ऑफ अंडमान एंड आइलैंड नोटिस। हाँ, कुछ अंडमान आइलैंड में कुछ एक आदिवासी लोग रहते थे, तो उनने क्या नोटिस करा कि एनिमल जो है वो अलग अलग प्रकार की हरकतें शो कर रहे हैं। तो एनिमल्स की इन हरकतों से उन लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पर खतरा आने वाला है, और इसी खतरे और उन और वो सब लोग उस खतरे से बच गए। क्यों? सिर्फ एनिमल्स की वजह से, क्योंकि एनिमल्स ने पहले रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। चलो, बर्ड्स फोकस ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, बताएं जरा। बर्ड्स जो होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। फोकस क्यों करती है बर्ड, है ना, क्यों फोकस करती है? टू एस्टिमेट डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए, या फिर टू ऑब्जर्व, क्या कलर ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर अपना डेंजर ऑब्जर्व करने के लिए? बताएं जरा क्या होगा इसका सही आंसर। सरिता जी ऑप्शन नंबर ए पे जा रही हैं, लेकिन मुझे और आंसर चाहिए आप लोगों से। सर ए लग रहा है, बिल्कुल टू एस्टीमेट डिस्टेंस बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, टू एस्टीमेट डिस्टेंस। ठीक है, अब कुछ लोग ना हड़बड़ी में सी दे रहे हैं। सी कौन? तनु शर्मा जी सी दे रही हैं, बताओ तनु शर्मा जी। चलो, पीपल ऑफ आसाम के बारे में, आसाम के लोगों के बारे में क्या बोलना चाहोगे कि भैया ये भेला घर बनाते हैं, ये बांस का घर बनाते हैं, या रेबोस बनाते हैं, या फिर बेम्बू बोट हाउस बनाते हैं? क्या बोलना चाहोगे आसाम के लोगों के बारे में? योगेश सिंह बोल रहे हैं ये बांस का घर बनाते हैं। भाई इसका जो आंसर है वो भेला घर होगा इसका आंसर। ठीक है, भेला घर इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है, भेला घर इसका आंसर होगा। चलो बताएं, भेला घर क्या होता है? इस प्रकार का ये घर होता है, देखो ये इस प्रकार के घर होते हैं, ये भेला घर। ओके, जुल्फीकर अली जी, फिर तो आपको बिल्कुल सही बोलना चाहिए था। क्या बोला आपने?
आंसर देना चाहिए था ना आपको। चलो कोई बात नहीं, बताएं। कुल्लू शॉल, मधुबनी पेंटिंग, आसाम सिल्क, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, व्हाट इज कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है आखिर? भाई कुल्लू शॉल हो गया है ना, मधुबनी पेंटिंग हो गई, आसाम का सिल्क हो गया, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हो गई, इन सब में कॉमन क्या है ये तो बताओ। इन सब में कॉमन क्या है बताओ। पहला ऑप्शन दे ऑल आर, क्या ये सब हैंडमेड हैं, या फिर दे ऑल आर मेड फ्रॉम नेचुरल, या फिर ये सब नेचुरल रिसोर्स से बने हुए हैं, या फिर दे ऑल आर वेरी, या फिर ये बहुत फेमस हैं, या फिर दे ऑल हैव नेम बेस्ड ऑन देयर रिली, क्या ये अपने रिलीजन से रिलेटेड हैं बताएं जरा ना, या अरे ये क्या अपने रीजन से रिलेटेड, रिलीजन नहीं रीजन मतलब जगह से रिलेटेड है, क्या होगा आंसर? बिल्कुल आंसर राम अवतार जी का आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल ये अपने अपने रीजन से रिलेटेड है। कुल्लू शॉल कुल्लू से रिलेटेड है, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी से रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है ना, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है बताएं जरा। अबू धाबी इज इन, बताएं अबू धाबी के बारे में क्या बताना चाहोगे आप लोग, अबू धाबी के बारे में क्या बताना चाहोगे बताओ जरा भाई, अबू धाबी के बारे में भी बता दो थोड़ा सा, अबू धाबी के बारे में भी बता दो। यूएई होगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है यूएई, यूएई इसका आंसर होगा। चलो व्हाट इज यूएई, अब यूएई के बारे में बता दो भैया, यूएई क्या है ना, नहीं तो फिर गुस्सा हो जाओगे सर, यूएई तो बता देते कम से कम यूएई क्या है, अब यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एम्बेसी है, या फिर यूनाइटेड अरब स्टेट है, या फिर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, या फिर यूनियन अरब एम्बेसी है बताएं जरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, ठीक है करेंसी ऑफ अबू धाबी के बारे में बताओ, करेंसी ऑफ अबू धाबी, अबू धाबी में कौन सी करेंसी चलती है बताओ जरा, दिनार चलती है, पाउंड चलती है, डॉलर चलती है, या फिर दिरहम चलती है, क्या कौन सी करेंसी चलती है बताओ जरा। दिनार चलती है, पाउंड चलती है, डॉलर चलती है, या फिर दिरहम चलती है बताएं जरा। दिरहम चलती है दोस्तों, क्या बात है, दिरहम चलती है, दिरहम चलती है। दोस्तों चित्तप्पन के बारे में क्या बताना चाहोगे बताओ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला है, या फादर्स यंगर ब्रदर नेम इन मलयालम, या फिर मदर्स ब्रदर नेम इन मलयालम, या ग्रैंडफादर्स नेम इन मलयालम बताएं जरा, चित्तप्पन के बारे में क्या बताना चाहोगे। सेवेंथ का ए बता रही हैं, नहीं अच्छा एट्थ का मुझे बताओ, फादर्स यंगर ब्रदर नेम इन मलयालम, क्या बात है, कोई है क्या मलयालम, मलयालम लैंग्वेज बोलने वाला, चल बताएं। व्हाट इज कुंजम्मा, बताएं कुंजम्मा किसको बोलते हैं बताएं जरा, व्हाट इज कुंजम्मा,
अब कुछ लोग ना पिछले क्वेश्चन से ही दिमाग लगा लेंगे। अच्छा ओके, भाई फादर्स यंगर ब्रदर की उसकी वाइफ का नेम होता है, ठीक है? क्या बात है। चलो, इन केरला यू कैन सी फ्रूट ट्री लाइक, अब केरला में कौन कौन से फ्रूट ट्री आप लोग देख पाते हो? कोकोनट देख पाते हो, बनाना देख पाते हो, या जैकरू फ्रूट देख पाते हो, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताए कौन से फ्रूट्स आप लोग देख पाते हो केरला में, बताए इसके बारे में, बताएं जरा। केरला में आप लोग कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो देख पाते हो, बताएं जरा। केरला में कौन कौन से फ्रूट्स आप लोग देख पाते हो मुझे ये बताओ, बताएं। कोकोनट देख पाते हो, या बनानास देख पाते हो, या पपाया देख पाते हो, जैक फ्रूट देख पाते हो, या बैटे नट देख पाते हो, बताएं जरा किसको देख पाते हो? ऑल ऑफ द अबव दोस्तों इसका आंसर होगा, है ये सभी फ्रूट आप लोग केरला में देख पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, डेट पाम इज, डेट पाम मतलब खजूर के पेड़ को क्या बोलना चाहोगे? द ओनली ट्री विच ग्रो इन स्नो, या फिर द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट, द ओनली ट्री विच ग्रो इन वाटर, या फिर द ओनली ट्री विच ग्रो विदाउट एनी बेस, बताएं जरा क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर, बस मुझे ये बताएं। बिल्कुल, द ओनली ट्री विच ग्रो इन डेजर्ट, बिल्कुल क्या बात है यार, बहुत शानदार। और क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं हम लोग, बताएं जरा। डैश मसाला इज मेड ऑफ, अरे क्या बता, क्या बात है यार, इस क्वेश्चन को तो बस कर दो यार, मजा आ जाएगा, इस क्वेश्चन को तो बस कर दो यार, मजा आ जाएगा। यार जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं ना, लाइक जरूर कर दें यार क्लास को, लाइक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है मुझे, आप लोगों के लाइक की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। थर्टींथ का डी हो गया हमारा, 13th का डी, क्या बात है। नहीं, नहीं है, डी थोड़ा होगा इसका। गरम मसाला, मुझे खुद कंफ्यूज कर रहे हैं यार आप लोग, यार गरम मसाला होगा इसका आंसर, ठीक है, गरम मसाला। चलो भाई, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म इज मेंशन्ड इन ईवीएस बुक, ही सर्व्ड इन इंडियन आर्मी, बताएं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में क्या बोलना चाहोगे, है ना, बताएं जरा कि इन्होंने क्या पायलट जैसे सर्व करा है, या फिर चीफ जैसे सर्व करा है, या फिर डॉक्टर जैसे सर्व करा है, या फिर सोल्जर जैसे सर्व करा है इंडियन आर्मी में, बताएं जरा इंडियन आर्मी में इनकी पोजीशन क्या थी? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, बताएं जरा। सरिता जी का आंसर डी जा रहा है, राम जी का आंसर डी जा रहा है, और योगेश जी का आंसर बिल्कुल सही गया है, डॉक्टर जैसे उनने सर्व करा है, ठीक है, वहीदा प्रिज्म ने मतलब डॉक्टर जैसे सर्व किया है इंडियन आर्मी में, ठीक है, क्या बात है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिंस के बारे में और क्या बोलना चाहोगे आप लोग? फर्स्ट वुमेन टू लीड रेजिमेंट, या फर्स्ट वुमेन टू लीड सीक्रेट ऑपरेशन, या फर्स्ट वुमेन टू लीड परेड, या फर्स्ट वुमेन डॉक्टर ऑफ इंडियन आर्मी, बताएं जरा और क्या बोलना चाहोगे वहीदा प्रिज्म के बारे में? याद रखना मैंने ये बोला है कि और क्या बोलना चाहोगे, पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था आप लोगों ने कि ये डॉक्टर थी, अब समझने वाले समझ जाओ भाई, मैंने क्या बोल रहा हूं मैं कि अब और क्या बोलना चाहोगे? योगेश शुक्ला जी सिंह जी का सबसे पहले आंसर आया, फिर सरिता जी का आंसर आया है, बिल्कुल फर्स्ट वुमेन टू लीड परेड, भाई पहली वुमेन थी जिन्होंने परेड को लीड किया था इंडियन आर्मी में, ठीक है।
चलो बताएं टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन परेड, भाई परेड में कितने टाइप के कमांड्स होते हैं बताएं जरा। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 36। ऑप्शन नंबर सी सरिता जी का बिल्कुल सही आया, 36 कमांड होते हैं फौज में। ठीक है बिल्कुल, क्या बात है, बहुत शानदार। चलो अब थोड़ा सा ये पैडागॉजिकल क्वेश्चन शुरू हो गए, पैडागॉजिकल क्वेश्चन अटेंड करिए जरा। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टेड इन टू साइंस एंड सोशल साइंस बाय, बताएं जरा ईवीएस में साइंस और सोशल साइंस में क्यों नहीं डिवाइड करा गया है बताएं। बताएं पहला ऑप्शन है सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई, क्या सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से प्रिस्क्राइब करा है, या फिर द चाइल्ड लुक एट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, या फिर इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी एट इज फॉर ड्रेस डिक्रीजिंग द सिलेबस। भाई दिमाग लगा के तो बताओ आंसर। तो अगर दिमाग लगा के बताओगे तो आंसर होगा इसका द चाइल्ड लुक हिज हर एनवायरमेंट इन अ होलिस्टिक, जो बच्चा है वो अपने एनवायरमेंट को बहुत ही एक होलिस्टिक मैनर में देखता है, मतलब एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं होलिस्टिक मैनर, मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़े रूप में एनवायरमेंट को देखता है, इसलिए मतलब कि हम लोग जो ईवीएस के जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे रूप में नहीं तोड़ते हैं, है ना। हम लोग शुरुआत से ही बच्चों को एक बड़ा कॉन्सेप्ट लेके सिखाते हैं कि अभी हम लोग फूड की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बच्चों के सामने ऐसे नहीं तोड़ते फूड को कि अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग फूड एंड मतलब ऐसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में तोड़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 एंड 2, बताएं जरा। फर्स्ट और सेकंड के लिए ईवीएस के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे, पहले फर्स्ट और सेकंड के ईवीएस के बारे में ये जान लो कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस, फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब शायद आप लोगों के लिए सहूलती हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भैया फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस सब्जेक्ट ही नहीं है, पहले ये जान लो आप लोग। ठीक है, तो आंसर होगा भैया इश्यू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड टू लैंग्वेज एंड मेथड, क्योंकि ईवीएस सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड क्लास में नहीं होता है, इसलिए ईवीएस के जो इश्यूज होते हैं वो लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स से ट्रांसलेट करे जाते हैं। दोस्तों आज आप लोगों को ये वाली क्लास कैसी लगी मुझे बताएं जरा, है ना। मैं डेली आनंद शर्मा, मैं आनंद शर्मा हूं दोस्तों, मैं डेली ये वाला जो सेशन है 9:30 बजे ईवीएस का लेकर आ गया हूं, 9:30 बजे ये वाला सेशन डेली होगा, आप सब लोगों को ये वाला सेशन जो है वो ज्वाइन करना है सर ऑल सब्जेक्ट से, बिल्कुल आप सब लोगों को ये वाला सेशन जो है वो ज्वाइन करना है, ये वाला सेशन मैं डेली लेके आऊंगा आप लोगों के लिए 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं ये वाला सेशन डेली लेके आ रहा हूं, आप सब लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, मैं इस सेशन में दोस्तों मैंने सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, इस सेशन में बेसिकली मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को। ठीक है, सर क्लियर नहीं आ रहा, डोंट वरी,
कल से आ जाएगा, कल से मैं मैंने बड़े बड़े फॉन्ट यूज़ कर दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके ओके ओके, तो ठीक है, ये वाला सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है?